Subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो बच्चे थे हम दोनों, शामक दावर के क्लासेस में मिले थे। वहाँ पर निराली टाउन में रहती है, मैं जू में रहता हूँ। हम लोग अलग बैचेस में थे, बट जो कहते हैं कि जो यू नो उनके इंस्ट्रक्टर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो एक साल का होता है, तो हम दोनों ने वो ज्वाइन किया था एंड हम लोग इंस्ट्रक्टर बनने वाले थे शामक दावर के लिए। तो वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई, फिर मुझे फिल्म मिल गई तो मैं छोड़ के चला गया एंड वो वहाँ पर दो साल के लिए थी, फिर उन्होंने भी छोड़ दिया एंड पर जो हमारी जो बॉन्डिंग थी, कनेक्शन था, वो हमेशा कायम रहा। हमारी अलग दुनिया थी बट हम हमेशा टच में रहते थे, महीने में एक दो बार मिल भी लेते थे एंड इतने सालों के बाद, आई थिंक 6-7 साल के बाद हमने रियलाइज़ किया कि हम प्यार करते हैं और हमको साथ रहना चाहिए। प्रपोजल की अगर बात करूँ तो वो किस तरह का हुआ था, आपकी तरह से इनिशिएटिव था या फिर उन्होंने कहा? तो जब हम डेट कर रहे थे तभी तो कोई प्रपोजल नहीं था, बट जब शादी की बात आई तो निराली को एक रिंग चाहिए थी इंगेजमेंट की। वो बातें करती थी कि मेरी मम्मी के पास ये रिंग है, आई रियली लाइक दैट, कभी पहन के भी आती थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं प्रपोज करूँगा तो वो रिंग होनी चाहिए मेरे पास। जब मैंने मॉम को पूछा कि मेरी मदर इन लॉ को पूछा कि ये रिंग आपने कहाँ से ली है, मुझे ऐसी रिंग चाहिए, तो बोली कि ये रिंग अभी ये ना तुम्हारे जो डैडी है, फादर इन लॉ ने ये 60 साल की उम्र में मुझे दिया था, ये अभी मत खरीदो तुम, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, मेरी बेटी को बिगाड़ो मत। तो ऐसे नहीं, उसको यही चाहिए तो मैं यही लूँगा। तो आई एक्चुअली तब शो भी चल रहा था मेरा, तो काफ़ी अच्छे पैसे भी आ रहे थे, तो आई वेंट आई गॉट दैट रिंग और हम दोनों महाबलेश्वर गए हुए थे फॉर अ हॉलीडे। तो हम दोनों टेरेस पे थे, ऐसे ही बातें कर रहे थे एंड देन आई जस्ट प्रपोज टू हर। तो ऐसा नहीं था कि मैं यू नो फ्लोर पे गया और मैंने प्रपोज किया, क्योंकि मुझे लगा कि वो फेक हो जाएगा, वो फिल्मी हो जाएगा। तो जो जेन्युइन था, मैंने अपने मन की बात कही, मैंने कहा कि इतने सालों से हम दोस्त थे, फिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, तो अभी मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि हमें हस्बैंड वाइफ बन जाना चाहिए। और वो सोची थी कि ये क्या बोल रहा है, तो मैंने अपने पॉकेट से रिंग निकाल के उसे दे दी। फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो कितना सपोर्ट रहा है सबका? ऑब्वियसली जब मैंने मॉम डैड से कहा कि मुझे शादी करनी है, तो वो भी सोच रहे थे कि यार अभी तुम करियर में सेटल नहीं हुए हो, शादी क्यों करना चाहते हो। और निराली के पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि एक्टर है, पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि हम इतनी कहानियाँ सुनते हैं इंडस्ट्री के बारे में कि डिवोर्स हो जाता है और यू नो एक्टर्स के कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके पेरेंट्स भी थोड़े वरिड थे कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, बट इवेंचुअली मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, इतने सालों से जानता हूँ, तो एवरीवन वाज हैप्पी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह फिर कोई स्पेशल मेमोरी रही है अब तक की आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत स्पेशल मेमोरीज रही हैं, क्योंकि हम बहुत ट्रैवल करते हैं और जब आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज बन पाती है, ना कि आप नॉर्मल लाइफ में कोई स्पेशल मेमोरी क्रिएट कर सकते। तो ट्रैवलिंग मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप ये देखेंगे, ये हमने एक बॉल बनाया है, हमारे जितने भी ट्रैवल्स हैं वहाँ पे हमने कितनी मस्ती की है, वो सब यहाँ पे इन पिक्चर्स में नज़र आता है। तो इट्स बीन अ ग्रेट मैरिज यार मेरे हिसाब से। जब मैं ये फ़ोटोज़ देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने और निराली ने कितना इन्जॉय किया है अपनी मैरिड लाइफ को, कितना कुछ घूमे हैं हम, कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। हम इटली से लेके हम हिमालय तक पहुँच गए हैं,
पेरिस और ये मॉरिशस में, मतलब बहुत कम जगह बची है अभी घूमने के लिए, जितनी भी जगह बची है बहुत दूर है, तो वो भी धीरे धीरे करके हम कंप्लीट कर लेंगे। इन पिक्चरों में कोई खास पिक्चर अगर आप बताना चाहें कुछ खास? खास तो बहुत मुश्किल है चुनना, बट अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है। हम ऐसे ही मिट्टी फेंक रहे थे और अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक हार्ट बन गया है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज इट हैज़ इट्स ओन मोमेंट, यू नो। ये फोटो हम पेरिस गए थे और ये हमने वहाँ पे शूट किया था, क्योंकि मेरी पहली फिल्म MP3 थी और आईफिल टावर से इसका बहुत यू नो कनेक्शन था। तो ये जब 10 साल कंप्लीट हुए थे MP3 के, तो मैंने निराली को कहा कि हम आईफिल टावर जाएंगे, पेरिस जाएंगे और हम ये ऐसा शूट करेंगे। अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद थोड़ी बहुत चेंजेस जो होते हैं वो पता चल जाते हैं कपल्स के बीच में, तो ऐसा कुछ आपने डिस्कवर किया उनके बारे में? हाँ, मैंने एक चीज़ तो डिस्कवर की है कि निराली हमेशा सही है। या कभी कभी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपना पॉइंट सामने लाने की कोशिश करूँ कि मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, बट फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि वो ही सही है। तो जो चेंजेस आई है मेरी लाइफ में देखा जाए तो वो सही थी। मैं मैसी था, जैसे कि लड़के होते हैं तो टॉवल बेड पे रहता है, सॉक्स जो हमारा अगर कोई कहते हैं कि वो जो लॉन्ड्री बैग होता है तो उसके बाहर होता है, उसके अंदर नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है। जो मेरा कमरा होता था उसमें मेरे बेड पर कपड़े भी होते थे, कबर्ड में नहीं होते थे, जूते होते थे, शू शेल्फ है मेरे पास पर मेरे जूते बाहर ही रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने धीरे धीरे करके, नहीं धीरे धीरे करके नहीं, वो इमीडिएटली आई और बोली ये सब ठीक हो जाना चाहिए वरना अब फिर प्रॉब्लम होगी। तो मैंने ठीक कर दिया, तो अच्छी आदतें सीखी हैं मैंने। बट कोई एक चीज़ अगर आप कहना चाहें कि ये उनसे आपको सीखने मिली, ऐसा कुछ? आई थिंक वो बहुत ही यू नो प्री प्लान्ड रहती हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, कितने बजे जाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास इन्फॉर्मेशन रहती है। मैं थोड़ा लॉस्ट रहता हूँ। मैंने ट्रैवल किया था ना, तो दो बार मैं अपना पासपोर्ट घुमा चुका हूँ, तो अगर मैं तीसरी बार अपना पासपोर्ट घुमाऊँगा ना, मुझे एक पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई लड़का फॉरेन जाकर अपना पासपोर्ट घुमा कर वापस आ सकता है इंडिया, तो वो उसका कैलिबर क्या होगा। तो मैं वैसा हूँ, मैं पासपोर्ट घुमाता हूँ, पैसे घुमाता हूँ, मोबाइल घुमाता हूँ, पर निराली बहुत पर्टिकुलर है। वो अपने आप को लेकर मुझे भी देखती रहती है कि तुम कहाँ हो, तुम हो पीछे, कहाँ घूम तो नहीं हुए। तो मैं थोड़ा सा लॉस्ट रहता हूँ, बट धीरे धीरे करके मैंने भी रियलाइज़ किया है कि अभी मुझे भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इम्प्रूव ही हो रहा हूँ। एक सवाल जो सब फ्रेंड्स फैमिली मोस्टली सब पूछते ही होंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप जो पेरेंटहुड का होता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है ना कि ऑनेस्टली हम चाहते हैं कि हम, मतलब फैमिली हो, हम दोनों का ऐसा सोचना नहीं है कि बच्चे नहीं होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, बट यार अभी तक ना हम तैयार नहीं हैं। कभी कभी हम लोगों को देखते हैं, हमारे दोस्तों को देखते हैं कि उनके बच्चे हैं, बहुत क्यूट भी लगते हैं हमको, बट वो क्यूट सिर्फ 5 मिनट के लिए लगते हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हम बच्चे प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों को अभी तक बच्चों का वो क्या कह सकते हैं, वो बॉन्डिंग नहीं हो पाई है। हमको कोई भी बच्चा दिखता है, क्यूट भी लगता है, पर वो 5-10 मिनट के बाद फिर लगता है कि अच्छा जाओ अपने मम्मी डैडी के पास जाओ। तो जब तक हमारी ये फीलिंग नहीं आएगी कि हमें खुद का बच्चा चाहिए, ये पोस्टपोन होते जा रहा है, होते जा रहा है। मुझे नहीं पता कि कब हम प्लान करेंगे, बट कभी ना कभी तो कर ही लेंगे। लास्टली रुस्लान क्या कहना चाहेंगे, प्यार के क्या मायने हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर कुछ कम शब्दों में अगर आप कहना चाहेंगे? यू नो, मैंने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था कि प्यार से ज़्यादा ज़रूरी होता है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी लड़के के साथ हो या किसी लड़की के साथ हो, तो अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तो उस प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो अपनी गर्लफ्रेंड को गालियाँ देते हैं, रूडली बात करते हैं, फिर कहते हैं कि बट आई लव यू, तो वो गलत है। आप एक ऐसे इंसान के साथ रहो जो शायद आपसे प्यार नहीं करता हो,
बट वो आपकी रिस्पेक्ट करता। आई थिंक रिस्पेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है।